वेलकम बैक टू माय चैनल टेक ग्राफर्स। सो गाइस, ये है आईफोन 15 प्लस एंड ऑलमोस्ट मुझे 140 दिन हो चुके हैं इस फ़ोन को यूज़ करते हुए। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक रिव्यू दूंगा कि बीते 140 डेज या फिर आप कह सकते हो कि क्लोज टू 5 मंथ्स के यूजेज में मुझे अपना आईफोन 15 प्लस एज ए डिवाइस कैसे लगा है, एट द सेम टाइम्स इसमें क्या कमियाँ हैं या फिर आप कह सकते हो क्या फ्लॉज है जो मुझे यहाँ पर 140 डेज में देखने को मिला है। सो वीडियो को आप देखते रहिए अगर आपके इस फ़ोन को खरीदने का कोई प्लान है या फिर ऑलरेडी अगर आपके पास ये फ़ोन है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट द डिज़ाइन एंड बिल्ड क्वालिटी। सो इस बार आईफोन 15 एंड आईफोन 15 प्लस में आपको पीछे की तरफ जो पोर्शन मिलता है ये पहले ग्लास मिलता था, पर अभी आप देख सकते हैं काइंड ऑफ मैट फिनिश दिया गया है जो कि देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। एट द सेम टाइम यहाँ पर कैमरा के जो लेंस के चारों तरफ एक ग्लास मिलता है, तो ग्लास एट द सेम टाइम जो मैट का एक कॉम्बिनेशन है वो देखने में बहुत अच्छा लगता है। और साइड में आपको यहाँ पर जो है एल्युमिनियम का बॉडी मिल जाता है। एट द सेम टाइम अगर आप डिस्प्ले में देखेंगे तो पहली बार ऐसा है कि किसी भी बेस मॉडल में आपको डायनामिक यहाँ पर जो आइलैंड है उसका इंट्रोडक्शन किया गया है। आपको पता है कि इसके पहले जो भी बेस लाइनअप के आईफोन होते थे उसमें आपको नॉच मिलता था, पर पिछले बार का जो आईफोन 14 प्रो एंड प्रो मैक्स है उसका जो मोस्ट हाईलाइटिंग फीचर था डायनामिक आइलैंड, उसी चीज़ को जो है आपको आईफोन 15 एंड आईफोन 15 प्लस में इंट्रोडक्शन किया गया है। तो ये देख के अच्छा लगा कि आईफोन का जो बेस मॉडल है उनके डिज़ाइन को लेके एप्पल बहुत सारे यहाँ पर चेंजेस जो है वो किया है एंड होपफुल कि फ्यूचर में भी यहाँ पर डिज़ाइन को लेके बहुत सारे चेंजेस करेगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी करंट वर्जन ऑफ iOS एंड बैटरी लाइफ। तो करंट वर्जन जो गाइस iOS है दैट इज़ iOS 17.3.1 एंड गाइस यहाँ पर आप देख भी सकते हो इसका अपडेट आने से पहले यहाँ पर iOS 17.3 का अपडेट आया था एंड पता नहीं उस अपडेट में ऐसा क्या था। उस अपडेट आने के बाद बैटरी लाइफ में अच्छी खासी यहाँ पर जो डाउनग्रेड है वो देखने को मिला है। बैटरी लाइफ जब मैंने इनिशियल डेज में आईफोन 15 प्लस को खरीदा था तो बहुत अच्छा था। अगर मैं अपना आईफोन 15 प्लस को यहाँ पर 90% तक चार्ज करता था तो मुझे जो है ऑलमोस्ट 2.5 दिन का यहाँ पर जो बैटरी बैकअप है वो मुझे मिलता था। साथ ही में यहाँ पर उसके अलावा भी जो नेक्स्ट दिन के लिए भी यहाँ पर 10-5% का बैटरी जो है बच जाता था। बट एज आई सेड विद द इंट्रोडक्शन ऑफ iOS 17.3 एट द सेम टाइम विद द इंट्रोडक्शन ऑफ iOS 17.3.1 बैटरी में आई डोंट नो क्या हुआ, बैटरी अभी जो है विथ 90% ऑफ चार्ज मुझे यहाँ पर मैक्स टू मैक्स 1.5 दिन तक बैटरी बैकअप मिलता है। एंड मैं अगर आपको बैटरी स्टैटिस्टिक दिखाऊं तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बैटरी हेल्थ एंड चार्जिंग में मुझे अभी भी जो है यहाँ पर मैक्सिमम कैपेसिटी एट 100% दिखा रहा है। एंड अभी मुझे लेटेस्ट कुछ यहाँ पर आफ्टर अपडेट ऑफ iOS 17.3 मैं यहाँ पर 80% लिमिट तक यहाँ पर अपना फ़ोन को चार्ज कर रहा हूँ एंड जो भी मैं यहाँ पर आप देख पाओगे अपना बैटरी स्टैटिस्टिक्स वो एट 80% ही होगा। क्योंकि इसलिए मैंने रखा है क्योंकि यहाँ पर 80% रखने से आपका जो बैटरी का ओवरऑल हेल्थ है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है एंड बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग चलता है। एट द सेम टाइम मेरा आपको लास्ट 10 डेज के यूजेज बताऊँ तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑन एन एवरेज मुझे डे टू लाइफ के बेसिस में 6-7 आवर्स का जो स्क्रीन ऑन टाइम है वो मुझे मिल जाता है। एंड डू नोट कि ये सारे के सारे 80% चार्जिंग पे। सो लुक गाइस बैटरी लाइफ तो अभी भी बहुत अच्छा है कंपेयर्ड टू दी कंपटीशन। यहाँ पर अगर मैं कोई एंड्रॉयड का फ़ोन का तुलना करूँ या फिर यहाँ पर अगर आईफोन का जो 15 प्रो है रिसेंट 15 प्रो मैक्स है उनसे तुलना करो तो भी जो आईफोन 15 प्लस का जो बैटरी है बहुत ज़्यादा सही है। एंड अगर आपको बैटरी लाइफ ही चाहिए किसी भी आईफोन के लेटेस्ट का तो आप यहाँ पर आईफोन 15 प्लस को खरीद सकते हो। लेकिन जो बैटरी बैकअप बिफोर द अपडेट ऑफ iOS 17.3 में मिलता था वो बैटरी बैकअप अभी इसमें थोड़ा सा घट गया है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द परफॉर्मेंस। तो गाइस लुक इसमें आपको पिछले बार का यहाँ पर जो 14 प्रो मैक्स में जो आपका A16 का बायोनिक चिपसेट मिलता था वही सेम चिपसेट है उसको दिया गया है। एंड ये चिपसेट अगर आप जब भी गेमिंग वगैरह करोगे उसमें आपको पता चलेगा कि कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आप यहाँ कोई भी लाइट गेम खेलो या फिर कोई भी आप स्ट्रॉन्ग गेम सच ऐसे यहाँ पर कॉल ऑफ ड्यूटी हो गया या फिर पबजी या फिर BGMI जो भी आप कहो ये सब अगर गेम अगर आप करते हो तो भी आपको जो गेमिंग का एक्सपीरियंस है वो बहुत ही अच्छा मिलेगा। साथ साथ कभी भी आपको महसूस नहीं हुआ कोई फ्रेम ड्रॉप लग रहा है ड्यूरिंग माई 4 मंथ या फिर मोर उससे ज़्यादा के यूजेज में मुझे कभी भी परफॉर्मेंस को लेकर कभी भी मुझे कोई दिक्कत नहीं आया। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ना गिग बेंच एक बार दिखा देता हूँ क्योंकि गिग बेंच के स्कोर से आपको थोड़ा बहुत आइडिया जो लग जाएगा। एंड आपको मैं CPU का बेंच अगर आपको दिखाऊँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मल्टी स्कोर एंड यहाँ पर जो सिंगल स्कोर का जो वैल्यू है वो बहुत बड़े यहाँ पर जो फ्लैगशिप स्मार्टफोन फॉर एग्जाम्पल S24, S23 Ultra, S24 Ultra उनसे भी थोड़ा ज़्यादा होता है इसका सिंगल स्कोर और मल्टी स्कोर का वैल्यू। एट द सेम टाइम GPU का परफॉर्मेंस भी बहुत ही ज़्यादा सही रहता है। यहाँ पर आप GPU का अगर मैं आपको यहाँ पर हिस्ट्री दिखाऊँ सो यहाँ पर आप जो वैल्यूज है वो देख सकते हो। आप मोटे मोटे तौर पर ये जान लो कि परफॉर्मेंस को लेके iPhone 15 प्लस या फिर iPhone 15 में भी
कोई भी किसी भी तरीके की जो दिक्कत है या फिर जो जटन से लैग है वो आपको जो है महसूस नहीं होगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी यहाँ पर टाइप सी पोर्ट। तो टाइप सी पोर्ट का आपको इस बार पहली बार अगेन यहाँ पर बेस मॉडल में इंट्रोडक्शन किया गया है। इससे क्या हुआ कि आपका जो अवेलेबिलिटी ऑफ यहाँ पर पोर्ट्स है, जैसे कि अगर आपका एंड्रॉयड का चार्जर है या फिर कोई यहाँ पर पेन ड्राइव वगैरह है तो बहुत ईजिली कनेक्ट हो जाता है एंड ये डे टू लाइफ में बहुत ही यूजफुल होता है। अगर आपके पास खासतौर पर यहाँ पर विंडोज़ लैपटॉप है तो इन दैट केस यहाँ पर जो आईफोन है अभी बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर ईजी टू यूज़ हो चुका है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कैमरा। तो गाइस अगेन आई वांट टू से कि पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी भी बेस मॉडल में आपको 48 MP का जो कैमरा है वो दिया गया है। एट द सेम टाइम उसी कैमरा के हेल्प से अभी आप 2x ऑप्टिकल जूम भी कर सकते हो, यानी बहुत ज़्यादा काम में आता है जब आपको यहाँ पर जूम वगैरह लेके आप फोटो खींच रहे हो। एट द सेम टाइम अगर आपको अच्छे से फोटो या फिर आप कह सकते हैं पोर्ट्रेट वगैरह लेना है तो इन दैट केस यहाँ पर जो 2x का जो ऑप्शन है वो बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है। एट द सेम टाइम 2x होने की वजह से आपका जो जूम का जो फोटो जो क्वालिटी है वो भी बढ़ जाता है। सो आई वुड रियली अप्रिशिएट एप्पल फॉर अडॉप्टिंग 48 MP इन एनी बेस मॉडल ऑफ आईफोन। एट द सेम टाइम पर जो फ्रंट कैमरा है वो भी बहुत सही है। लेट मी शो यू सम काइंड ऑफ यहाँ पर फोटो सैम्पल। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं जो ये फोटो है आपका सामने, यहाँ पर मैं जब शाम हो रहा था उस समय का फोटो है, मैं फोटो वगैरह खींच रहा था। देन ऑल्सो आप देख सकते हैं जो फोटो का जो क्वालिटी है वो एकदम लेवल ए का है, यानी बहुत ही सही है। एट द सेम टाइम यहाँ पर जो पोर्ट्रेट मोड का जो फोटो आता है 2x के साथ वो बहुत ही अच्छा आता है कंपेयरिंग विद द आईफोन 14 या फिर इवन आईफोन 14 प्रो। पोर्ट्रेट में देख सकते हैं कितने ज़्यादा यहाँ पर जो ब्लरी है वो कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। एट द सेम टाइम जो एजेस है वो कितना अच्छे से कटआउट हुआ है। एट द सेम टाइम जो वीडियो में भी आप यहाँ पर जो है 4K वगैरह ले सकते हो और यहाँ पर जो सिनेमेटिक मोड वगैरह आता है वो भी बहुत सही से काम चल जाता है। सो आप मोटे मोटे ये जान लो कि कैमरा भी अगर आपका मेन प्रायोरिटी है देन ऑल्सो यू कैन परचेज दी आईफोन 15 प्लस। कैमरा रिलेटेड मैं ऑलरेडी एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया हूँ तो यू कैन चेक ऑल दोज वीडियोज। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द स्क्रीन एंड 60Hz रिफ्रेश रेट। तो 60Hz रिफ्रेश रेट को मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर आप कोई एंड्रॉइड फोन से या फिर अगर आपके पास आईफोन 14 प्रो या फिर 15 प्रो अगर आप यूज़ किए हो तो आपको ये लग सकता है कि जो स्क्रीन का जो रिफ्रेश है या फिर जो स्मूथनेस है वो थोड़ा सा लैगी है या फिर थोड़ा धीरे चलता है, तो आपको जो है ऐसा थोड़ा सा लग सकता है। एट द सेम टाइम अगर आप कोई एंड्रॉयड फ़ोन भी चलाए हो 120Hz रिफ्रेश रेट में तो भी आपको ये लग सकता है। पर अगर मेरा अपना ऑनेस्ट ओपिनियन बताऊं तो गाइस आपको यही कहूंगा कि मुझे कभी भी ड्यूरिंग दी 140 डेज ऑफ यूजेज या फिर ड्यूरिंग मोर देन 4 मंथ ऑफ यूजेज मुझे कोई भी यहाँ पर कभी भी ऐसा फील नहीं हुआ कि कोई जटरनेस, कोई लैग या फिर जो एप्लीकेशन है वो थोड़ा सा देरी में खुलता है या फिर जो भी मैं अपना काम करता हूँ वो थोड़ा सा रिस्पॉन्स जो है लेट में करता है। तो इन टर्म्स ऑफ स्मूथनेस, इन टर्म्स ऑफ एनिमेशन मुझे कभी भी जटरनेस इस टाइप का कभी महसूस नहीं हुआ है। एंड इफ़ आई टॉक अबाउट द स्क्रीन क्वालिटी तो लेट मी शो यू ए वीडियो। एंड इसमें जो है ओवरऑल आपको 6.7 इंचेस का जो है स्क्रीन मिलता है, ये तो आपको पता ही होगा। एट द सेम टाइम यहाँ पर आपको OLED पैनल दिया गया है। तो मोटे मोटे तौर पे अगर आप यहाँ पर मल्टीमीडिया कंजम्पशन के लिए भी ये फ़ोन ले रहे हो तो गाइस आपको जो है ये ट्रू एंजॉय होगा। आप यहाँ पर देख सकते हो इसका जो कलर है वो कितना ज़्यादा एक्यूरेट है। आप कोई भी यहाँ पर मल्टीमीडिया कंज्यूम करो इन टर्म्स ऑफ नेटफ्लिक्स, इन टर्म्स ऑफ यहाँ पर अमेजोन प्राइम, हॉटस्टार, जो भी चीज़ आप यहाँ पर देखोगे आपको मल्टीमीडिया रिगार्डिंग कभी भी जो है किसी भी तरीके का कोई इशू नहीं होगा। एट द सेम टाइम जो HDR क्वालिटी है वो भी बहुत ही सही चल जाता है। जैसे कि अभी आप देख सकते हो एक HDR क्वालिटी का यहाँ पर जो वीडियो है वो चल रहा है एंड YouTube वगैरह में भी बहुत ही सही से काम चल जाता है। तो इन टर्म्स ऑफ डिस्प्ले इट्स ए A-rated क्वालिटी। एट द सेम टाइम यहाँ पर आपको ब्राइटनेस जो है इस बार आपको बढ़ा के 2000 nits कर दिया गया है। एंड बिलीव मी आई थिंक दिस फीचर मस्ट बी हाईलाइटेड वन। बहुत कम बात किया गया है इसके बारे में लेकिन ये जो 2000 nits का जो ब्राइटनेस बढ़ाया गया है आई थिंक इसके वजह से iPhone 15 एंड अदर iPhone 15 Plus बहुत अच्छा हो गया है इन टर्म्स ऑफ डे लाइट में। अगर आप फोन को अच्छे से यूज़ करते हो इन टर्म्स ऑफ डायरेक्ट सनलाइट ऑल्सो देन ऑल्सो आपको जो है कभी भी स्क्रीन क्वालिटी या फिर स्क्रीन का जो कोई विजिबिलिटी को लेकर आपको इशू जो देखने को नहीं मिलेगा। सो आई थिंक दीज आर द पॉजिटिव जो कि मुझे यहाँ पर लगा iPhone 15 Plus में। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि मुझे यहाँ पर क्या फ्लॉज नज़र आया है या फिर आई थिंक क्या क्या इंप्रूवमेंट अभी भी हो सकता है। तो पहला मुझे यहाँ पर जो दिक्कत सामने आया है गाइज दैट इज़ रिलेटेड टू द नेटवर्क इशू। तो अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा अच्छे से देखेंगे तो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आई स्टे इन बनारस एंड ये जो सिम है गाइज ये 5G का सिम है। देन ऑल्सो कभी कभी 5G यहाँ पर मिलता नहीं है ऑल्दो इट कैन बी ए लोकल इशू या फिर लोकल एरिया प्रॉब्लम। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टावर जो है गाइज वो कभी भी मुझे यहाँ पर 140 दिन में कभी भी मुझे फुल टावर कभी भी नहीं मिला है। हमेशा जो एक डंडी या फिर दो डंडी होता रहता है
फुल टावर जो है मुझे कभी भी नहीं मिलता है। और सेल कनेक्टिविटी के साथ वाईफाई का भी इशू जो है वो सामने आया है। वाईफाई क्या होता है, कभी कभी डिसकनेक्ट हो जाता है अपने आप। और आई डोंट नो कि एप्पल इस चीज़ को लेके क्यों यहाँ पर अपडेट पुश नहीं कर रहा है। ऑल दो आई डोंट नो कि सेल कनेक्टिविटी और ये जो वाईफाई का जो प्रॉब्लम है ये मेरे डिवाइस में है या फिर इन जनरल है। अगर इन जनरल होता है तो गाइस आई थिंक एप्पल को इसके रिलेटेड ऑलरेडी एक यहाँ पर अपडेट जो है बहुत जल्दी लाना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर जो गाइस दिक्कत है या फिर जो फ्लॉज गाइस मुझे लगा है एटलीस्ट इन टर्म्स ऑफ माय केस, दैट इज़ रिलेटेड टू यहाँ पर यूट्यूब। इसके पहले मैं जब भी खोलता था, आई डोंट नो मैं आपको मैं कितना यहाँ पर दिखा पा रहा हूँ, जब भी मैं यूट्यूब खोलता था तब क्या होता था कि बैकग्राउंड में मुझे यहाँ पर येलोइश या फिर ग्रीनिश एक कलर आ जाता था, यानी वो चीज़ बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग करता था। ऑल दो ये जो प्रॉब्लम है थोड़ा सॉल्व हो चुका है विद द अपडेट ऑफ आई एस 3.1। सो ये कुछ यहाँ पर ड्रॉबैक्स थे, फिर फ्लॉज थे जो मुझे 140 दिन में नज़र आया है। एंड यहाँ पर मेजोरिटी तौर पर मुझे यहाँ पर पॉजिटिव ही चीज़ नज़र आया है, नेगेटिव तो बहुत कम ही है। पर जो था पॉजिटिव नेगेटिव कॉन्स प्रोज में सब कुछ आपको बता दिया इन डिटेल्स। आई होप आपको अभी कोई यहाँ पर डाउट नहीं है। एंड अगेन एज आई सेड कि अगर आपको बैटरी के इन टर्म्स ऑफ में परफॉर्मेंस में यहाँ पर अगर आपको डाइनिंग आइलैंड वगैरह चाहिए कोई लेटेस्ट यहाँ पर आईफोन में, तो आई थिंक आईफोन 15 प्लस इज़ गो टू बाई, यू शुड परचेज इट, इट्स अ ग्रेट डिवाइस टू बी परचेज। एंड ऑल्सो अगेन इन टर्म्स ऑफ फोटोग्राफी ऑल्सो वीडियोग्राफी ऑल्सो ये फोन बहुत ज़्यादा अच्छा है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द रिव्यू रिगार्डिंग माई आईफोन 15 प्लस ओवर द यूज ऑफ 140 डेज या फिर क्लोज टू 5 मंथ्स यू कैन से। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। एट द सेम टाइम आईफोन के साथ साथ मैं यहाँ पर जो एप्पल वॉच सीरीज 9 है उसको भी यहाँ पर जो रिव्यू वगैरह है वो पोस्ट करता रहता हूँ, सो यू कैन वॉच दिस वीडियोज टू। आई होप आपको जो वीडियो पसंद आया गाइस, डू लेट मी नो एनी कमेंट्स इन द कमेंट सेक्शन। सो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक गुड बाय एंड स्टे सेफ।